ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के हमीरपुर के बड़सर में छेड़छाड़ की पीड़ित स्कूली छात्रा पर नकाबपोश ने गत दिवस को रास्ते में पत्थर से हमला कर दिया। इसके बाद नकाबपोश ने छात्रा की तरफ एक धमकी भरा पत्र भी फेंका, जिसमें लिखा था कि कोर्ट में झूठ बोलना नहीं तो वे उसे जान से मार देगा। हालांकि वारदात के बाद नकाबपोश फरार हो गया। हिमाचल के हमीरपुर के बड़सर में छेड़छाड़ की पीड़ित स्कूली छात्रा पर नकाबपोश ने गत दिवस को रास्ते में पत्थर से हमला किया। इसके बाद नकाबपोश ने छात्रा की तरफ एक धमकी भरा पत्र भी फेंका, जिसमें लिखा था कि कोर्ट में झूठ बोलना नहीं तो वे उसे जान से मार देगा। हालांकि वारदात के बाद नकाबपोश फरार हो गया। डरी सहमी छात्रा ने स्कूल पहुंचकर स्टाफ को घटना की जानकारी दी। स्कूल का महिला स्टाफ छात्रा को प्रधानाचार्य के पास ले गया। बड़सर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य ने छात्रा की बात सुनने के बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी, जिसके बाद बड़सर थाने से पुलिस ने स्कूल पहुंचकर छात्रा के बयान कलमबद्ध किए। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व उपमंडल बड़सर के एक सरकारी स्कूल की छात्रा से इसी स्कूल के प्रधानाचार्य ने छेड़छाड़ की थी और ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अब इसी मामले में छात्रा को एक नकाबपोश के द्वारा डराने के साथ धमकाने का मामला सामने आने पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। स्कूल छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में बड़सर थाने ने पोस्को एक्ट में केस दर्ज कर हमीरपुर कोर्ट में चालान पेश किया है, जहां से आरोपी को कुछ दिनों के बाद जमानत भी मिल गई। बताया जा रहा है कि गत दिवस को इस मामले की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उससे पहले स्कूल जाते हुए पीड़ित छात्रा पर हमला हो गया। डीएसपी हमीरपुर रेणु शर्मा ने बताया कि अज्ञात नकाबपोश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तथा पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। 8 जनवरी 2020 को पुलिस थाना बड़सर में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की ने शिकायत करी है कि उसको किसी काले रंग का के कपड़े पहने किसी व्यक्ति ने रोका और उसकी तरफ पहले तो एक छोटा सा पत्थर फेंका, जिससे उसको चोट नहीं लगी, लेकिन बाद में उसकी तरफ एक कागज फेंका जिसमें उसने लिखा गया था कि वो अपने जो पुराना मुकदमा है उसमें कोई गवाही नहीं देगी। इसके ऊपर बड़सर थाना ने केस रजिस्टर किया है 341, 506, 504 IPC में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है।